और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई में केमिस्ट ब्लड बैंक का शुभारंभ, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने किया उद्घाटन, 24 घंटे मिलेगा रक्त। एनसीपी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने नवीमुंबई के सानपाड़ा में केमिस्ट ब्लड बैंक का लोकार्पण किया। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा स्थापित इस ब्लड बैंक से नवीमुंबईकरों के लिए 24 घंटे रक्त उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर केमिस्ट एसोसिएशन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से ऑनलाइन दवाओं की बिक्री रोकने में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। जवाब में राका सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि ऑनलाइन औषधियां मेडिकल स्टोर से सस्ती होती हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण के लिए सरकार से बात करने से पहले इनकी कीमतों को लेकर केमिस्टों को सामंजस्य बिठाना होगा। पवार ने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही केमिस्टों के साथ बैठक करने के बाद इसके लिए जरूरी पहल की जाएगी। यह संबंधी एसोसिएशन तो निर्णय घेणारे जे केंद्र सरकारचे सहकारी आहेत त्यांना आम्ही एकच समजू। जीएन यांची काही डिफिकल्टी असली तर त्याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे, पण त्याच्याबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं पेशंटला लवकर आणि अधिक किंमत ज्याचा खर्च न येता येण्याचा जो मार्ग असेल तो यांनी स्वीकारला पाहिजे। आम्ही याच्यातनं सामंजस्याने हा प्रश्न कसा सोडवता येईल याचा विचार करू। केमिस्ट ब्लड बैंक उद्घाटन समारोह में भाजपा विधायक मंदा मात्रे, शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, माथाड़ी नेता शशिकांत शिंदे समेत कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के तमाम नेता और बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।